नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक का एटीएम पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन। पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जो भी वीडियो को पूरा देखेगा उसके लिए एक बीच में सरप्राइज है, और वो सरप्राइज सिर्फ वही जान पाएंगे जो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी से वादा किया था, वीडियो के बीच में आपके लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये रहा, आप देख सकते हैं ये पोको X2 मोबाइल है। ये मोबाइल है करीबन 20,000 रुपए का। ये मोबाइल आप जीत सकते हैं इस वीडियो को देख के। इसके लिए आपको कोई 5 काम करने होंगे जो कि छोटे से सिंपल से स्टेप्स है, उनको फॉलो करना होगा। अगर आप वो करते हैं तो किसी भी एक विनर को ये मोबाइल दिया जाएगा। तो उसमें से जो स्टेप्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, आपको वीडियो को लाइक करना होगा। दूसरा काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, मतलब वीडियो को बीच में से नहीं छोड़ना है। तीसरा आपका दोस्तों जो टिप रहने वाला है चैनल को सब्सक्राइब करना। और चौथे नंबर का दोस्तों जो काम है वो है कमेंट करना। मुझे कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा था या फिर अच्छा नहीं लगा, या फिर कुछ भी आपको जो भी इस वीडियो के बारे में लगता है। ठीक, ये चार काम तो हर एक को करने। अगर ये चार में से एक भी अगर आपने काम नहीं किया होगा तो आपको ये मोबाइल देखने को नहीं मिलेगा। और नंबर पांचवा दोस्तों वो है आपको रियल एजुकेशन फॉर यू नाम का जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है उस पर जाके मुझे फॉलो करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही इसका विनर अनाउंसमेंट किया जाएगा। जान लेते हैं कि इंडसइंड की तरफ से आने वाले डेबिट कार्ड का एटीएम पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा और इंडस मोबाइल नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर देनी है। उसके बाद में जैसे आप दोस्तों लॉगिन करेंगे तो उसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है मैं आपको स्क्रीन के सामने यहां पे दिख रहा होगा। ये जो मेरा हाथ में मोबाइल है इसी की सेम स्क्रीन आपको यहां पे साइड में दिखेगी, उसको आप फॉलो करते रहिए। अब यहां पे सबसे पहली चीज, मैं अपने जो भी इंस्टाग्राम के फोटोज वगैरह है वो यहां पे ऑन कर लेता हूं, जिस फोटोज से मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं। जैसे दोस्तों सबसे पहली चीज आपको क्या करना होगा, यहां पे लॉगिन करना होगा। जैसे आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो यहां पे आपको अपना बैलेंस दिखाया जाएगा, आपका सेविंग अकाउंट है सेविंग अकाउंट, करंट होगा तो करंट, उसका बैलेंस दिखाया जाएगा। और यहां पे कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन का फोटो होगा, ये इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का होगा। और यहां पे आप देख सकते हैं साइड में ऑप्शन लिखा होगा कार्ड्स का, इस कार्ड्स के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में हमारे डेबिट कार्ड है यहां पे सारे आ जाएंगे। यहां पे वर्चुअल कार्ड्स है और डेबिट कार्ड्स दोनों आ जाएंगे। यहां पे याद रहे दोस्तों जो पहला है ये वर्चुअल कार्ड है, दूसरा है ये मेरा डेबिट कार्ड है। यहां पर नीचे लिखा होगा सेट या फिर रीसेट पिन, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं नीचे लिखा है सेट या फिर रीसेट पिन, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहां पे हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा CVV, यहां पे हमें अपने कार्ड का CVV कोड डालना होगा। दोस्तों CVV कोड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आपका जो डेबिट कार्ड रहता है उसको जैसे आप पलटते हैं जो ब्लैक पट्टी रहती है, जो मैग्नेटिक टेप रहती है, उसके नीचे 3 डिजिट का एक CVV कोड होता है, वही कोड आपको यहां पे लिखना होगा। फिर यहां पे आपको एक्सपायरी डेट लिखनी होगी, जब आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद में DOB यानी डेट ऑफ बर्थडे आपको लिखना होगा। अगर आपके पास DOB नहीं है तो आप पैन कार्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहां पे वैलिडेट एंड प्रोसीड के ऊपर नीचे क्लिक कर देना है, जो सबसे नीचे ऑप्शन है ना हरे कलर का, तो इसके ऊपर वैलिडेट एंड प्रोसीड के ऊपर। उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, यहां पे लिखा होगा डेबिट कार्ड डिटेल्स और दूसरी सारी चीजें हैं, तो यहां पे हमें न्यू पिन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो हमारा बीच वाला न्यू पिन है इसी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो नया पिन है हमें लिखना होगा, जितने भी डिजिट्स का होगा। आपका 4 डिजिट्स का पिन रहता है, आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। फिर वही पिन नीचे लिखना होगा, ये कंफर्म पिन लिखा है, इसी कंफर्म पिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें वापस हमारा पिन लिखना होगा। और उसके बाद में यहाँ पे सबसे नीचे हरे कलर का एक पट्टी होगी, यहाँ पे लिखा होगा सेट डेबिट कार्ड पिन, तो इसी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे हमारे सामने वापस हमसे पूछा जाएगा, हमारी परमिशन ली जाएंगी कि आर यू वांट टू रीसेट योर डेबिट कार्ड पिन, तो यस और नो, तो हम यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यस के ऊपर जैसे हम दोस्तों क्लिक करते हैं उसके बाद में हमें अपना MPIN लिखना होगा। MPIN आपका जो भी हो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। MPIN टाइप करने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने पूछा जाएगा प्लीज एंटर योर OTP, मतलब आपके पास में एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वही OTP हम यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने होगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर रिक्वेस्ट हैज बीन टेकन सक्सेसफुली, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली ले गई है, उन्होंने ले ली है। तो मतलब समझ लीजिए कि कम से कम आधे घंटे या फिर एक घंटे के अंदर आपका जो डेबिट कार्ड का ATM का पिन है वो पिन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर एक घंटे के अंदर नहीं होता है तो आपको 24 घंटे वेट करना होगा। अगर 24 घंटे में भी नहीं होता है तो आपको वापस यही चीज वापस करनी होगी, मतलब पिन है वो वापस रीसेट करना होगा। बट ज्यादातर दोस्तों एक या फिर आधे घंटे के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है। आशा करता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने आज अब तक पहुंचाई है आपके लिए फायदेमंद रही होगी। आज का ये वीडियो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।